आगराखंड रेलवे स्टेशन के नज़दीक अटल चौक के आसपास ज़बरदस्त जाम लगता है। जाम लगने से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। कई यात्रियों की ट्रेन तक भी छूट जाती है। गलत निर्णय के चलते जाम लगने लगा है। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन के बाहर अटल चौक के पास इन दिनों जाम लगने लगा है। जाम के चलते लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन लोगों को खासी परेशानी उठानी पड़ती है जो जरूरी काम से जा रहे हैं या फिर ट्रेन को पकड़ने जा रहे हैं। जाम ऐसा जिसमें से बाइक निकलना तो क्या, पैदल व्यक्ति भी नहीं निकल सकता। दरअसल जाम की असली वजह आरपीएफ का एक फैसला है। आरपीएफ ने रेलवे क्षेत्र से ऑटो, बैटरी रिक्शा सहित सिटी बसों को हटा दिया है। इसी फैसले से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मंडल रेल प्रबंधक भी खुद इस जाम में फंस गए। जाम झेल रहे लोग कहते हैं बहुत परेशानी हो रही है, ट्रेन तक छूट रही है। भयंकर जाम है। पहले अच्छी वाली बसें स्टेशन के सामने खड़ी हो जाती थी, कोई ट्रैफिक जाम नहीं होता था। अब तो हालात इतने ख़राब है, ट्रेन पकड़ने के लिए भी दिक्कत हो रही है। इस टाइम ट्रेन छूट रही है, लोगों की छूट रही है, वापसी खड़े हैं। सिटी बसों को आगे जाने देना चाहिए। जिस स्थान पर जाम लगता है उस स्थान से सेना के वाहन भी निकलते हैं। मंडल रेल प्रबंधक ने खुद जाम को देखा। अटल चौक पर ड्यूटी दे रहे आरपीएफ और सिविल पुलिस के जवान भी इस बात को अच्छी तरीके से समझते हैं। फैसले के चलते जाम लग रहा है, लेकिन आला अधिकारियों से वे कह नहीं सकते। सभी चाहते हैं कि सिटी बस उस स्थान तक पहुंचे जहां पर ऑटो और बैटरी रिक्शा खड़े होते थे, क्योंकि वह स्थान अब खाली हो चुका है। कई बसें एक साथ खड़ी हो सकती हैं, जगह दोनों साइड में है। इसके अलावा होटल रंजीत के सामने से माल रोड पर जाने वाली सड़क पर रेलवे ने एक लाइन गाड़ दी है। इस कारण सुल्तानपुरा, लालकुर्ती, काछीपुरा, कृष्णानगर, मुस्तफा क्वार्टर, सौल्ला, डिफेंस कॉलोनी, टपरा से आने वाले वाहन भी अटल चौक होकर निकलते हैं। स्कूल की बसें भी अब अटल चौक होकर निकलती हैं। इससे पहले सभी बसें रंजीत होटल के सामने से निकल जाती थीं। मंडल रेल प्रबंधक ने व्यवस्था को ठीक करवाने की बात कही है। राकेश कनौजिया, सी न्यूज़, आगरा।